लगभग साढ़े तीन पौने चार घंटे में मैंने करीब 100 मरीज यानी छोटे बच्चे, उनके माता पिता, किसी के साथ उनकी माँ है, किसी के साथ उनका पिता है, किसी के साथ दोनों है, कुछ बच्चों के साथ उनके दादा और दादी भी मैंने देखे, उन सब के साथ विस्तार से उन पेरेंट्स के साथ बातचीत की है। एक एक बच्चे को मैंने खाली स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते नहीं, एक डॉक्टर होने के नाते भी देखने का प्रयास किया है। एक एक बच्चे की केस शीट का भी अध्ययन किया है। एक एक ट्रीटिंग डॉक्टर से विस्तार से उसके मरीज के बारे में बात करने की कोशिश की है। और ये सारी एक्सरसाइज करने की वजह से ही अस्पताल में आने से लेकर और आपसे मिलने के बीच में मुझे लगभग चार घंटे का समय लगा है। सब कुछ देखने और समझने के बाद मैं जिन जिन बातों के निष्कर्ष पर पहुंचा हूं और जो जो बाद में अपने यहाँ के हमारे भारत सरकार के भी और यहाँ के भी सहयोगी मंत्री अश्विनी चौबे जी और मंगल पांडे जी के साथ मेरे अपने भारत सरकार के एडिशनल सेक्रेटरी और यहाँ के जो बिहार सरकार के सेक्रेटरी हेल्थ हैं उनकी उपस्थिति में और साथ में सभी सीनियर पीडियाट्रिशियंस, अस्पताल के सीनियर डॉक्टर्स, आईसीएमआर और दूसरे एम्स पटना के जो लोग यहाँ पर हैं, दिल्ली से भेजे हुए जो यहाँ पर अधिकारी इत्यादि हैं, ये सारे लोगों के साथ मिलकर चर्चा करने के बाद जो जो बातों के निष्कर्ष पर मैं पहुँचा हूँ वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इस बात का हम सबको बहुत दुख है कि इस वर्ष भी, यद्यपि पिछले कुछ वर्षों में तो मैंने जो डेटा स्टडी किया यहाँ पर इस डिस्ट्रिक्ट में और आसपास AES के जो केसेस हैं या JEE के केसेस हैं उनकी संख्या के अंदर और उनके कारण होने वाली डेथ्स में काफ़ी कमी आई थी। 2014 में भी जब मैं आया था तब काफ़ी ज़्यादा केसेस हुए थे और उसके कारण मैं दिल्ली से यहाँ पर सारे विषय का अध्ययन करने के लिए आया था। और अभी भी इस वर्ष पिछले कुछ वर्षों के मुकाबले ज़्यादा केसेस हुए, डेथ्स भी जो है बच्चों की जो कष्टदायक हैं, अत्यंत कष्टदायक हैं। हम इस बात की गहराई को समझ सकते हैं कि किसी भी माता पिता के लिए उसके छोटे बच्चे का मृत्यु का शिकार होना कितनी बड़ी तकलीफ का कारण हो सकता है और उनकी तकलीफ की कल्पना करके ही हम सबको बेहद तकलीफ होती है। ये मैं डॉक्टर होने के नाते भी बहुत गहराई से महसूस करता हूँ। यहाँ पर मैंने एक ऑब्जर्वेशन तो ये की कि जो बच्चे तकलीफ होने के बाद, तकलीफ उनको जो होती है उसमें बुखार होता है, उनको सीजर्स होते हैं यानी जिसको कन्वल्जन्स कहते हैं, यहाँ की जो भाषा में यहाँ के जो गांव के लोग जो हैं वो उसको चमकी बोलते हैं, और
अचानक ये सब होता है और ज्यादातर जो मरीज हैं, बच्चे हैं, उनको हमने जितने भी 100 बच्चों के माता पिता की हिस्ट्री स्टडी की तो उसमें लगभग मैं समझता हूँ कि 85% से ज़्यादा वो तकलीफ सुबह सुबह शुरू हुई, किसी को 5 बजे हुई, किसी को दोपहर में 3 बजे हुई, मतलब रात को 3 बजे हुई, किसी को 6 बजे हुई, किसी को 7 बजे हुई, ज़्यादातर की हिस्ट्री इसी प्रकार की है। कुछ लोग सीधे भागकर बहुत जल्दी अस्पताल में आ गए, किन्हीं के अस्पताल पहुंचने का डिस्टेंस कम था तो वो आधा घंटे में पौना घंटे में आ गए, किन्हीं का डिस्टेंस ज़्यादा था तो उनको 2 घंटा लग गया, कुछ लोग यहाँ आने से पहले किसी दूसरे अस्पताल में चले गए और दूसरे अस्पताल में कुछ घंटा या कुछ दिन बिताने के बाद जब उन्होंने उनको रेफर यहाँ कर दिया तब वो यहाँ पर आ गए। लेकिन एक निष्कर्ष ज़रूर निकला कि जो समय पर आ गए उनकी निश्चित रूप से अभी भी बहुत सारे आज मरीज मैंने देखे जो आज सुबह आए, समय पे आए और उनके ट्रीटमेंट के कारण वो बहुत अच्छी रिकवरी में थे, क्योंकि सब तरह के मरीजों को मैंने देखा जो ऊपर के क्रिटिकल वार्ड से रिकवर होकर नीचे गए, जो आज आए या जो कुछ दिनों से, और जो कुछ अभी भी गंभीर रूप से अस्वस्थ हैं। तो दूसरी बात ये देखी कि विषम परिस्थिति के बावजूद जो यहाँ के डॉक्टर हैं, यहाँ की नर्सिस हैं, मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार के प्रेशर में और जिस प्रकार की परिस्थिति में मैंने उनको काम करते हुए देखा, जो समय पर आ गए उनको बहुत ही, इसे कहते हैं, बेहतरीन तरीके से उनको ठीक करने का और उनको वापस स्वस्थ करने का काम भी डॉक्टरों ने और डॉक्टरों के साथ जुड़ी हुई व्यवस्था ने बहुत अच्छी तरह से किया। अब सवाल यह है कि इस तरह की परिस्थिति बार बार ना आए, और यहाँ मैं 2014 में भी आया था तब भी इस निष्कर्ष पर पहुँचा था कि जो तकलीफ का कारण है, जिसके कारण ज़्यादातर जो बच्चे हैं उनके आने पर उनके ब्लड शुगर लेवल्स बहुत कम होते हैं, कुछ लोगों का, बच्चों का सोडियम लेवल कम हो जाता है, कुछ थोड़े से ऐसे जिनको कि मोटे तौर पर पूरा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, और इसके कारण यहाँ पर 2014 में भी बहुत सारी थ्योरीज की बात होती थी कि इनके जो बीमारी होने के कारण क्या किसी वायरल इन्फेक्शन के कारण है, क्या ये किसी टॉक्सिक कारण से होते हैं, जैसे यहाँ पर एक लीची के बारे में बहुत बात होती है, और क्या ये किसी मेटाबॉलिक कारण से होते हैं। यहाँ के कुछ डॉक्टरों की ऑब्जर्वेशन थी कि जब ये हीट और ह्यूमिडिटी और जो कि पराए सुबह से रात तक एक ही जैसी रहती है तो उसका दुष्प्रभाव होता है, यानी अलग अलग कारण, अलग अलग उसके लिए लगभग सभी कारणों के साथ किसी न किसी रूप से कन्विंस करने का लॉजिक भी, और इसके कारण जो सबसे बड़ी आवश्यकता आज भी है और हमेशा थी और हमेशा रहेगी कि यहाँ पर मुजफ्फरपुर में विशेषकर और इसके अलावा किसी एक दूसरे स्थान पर एक इंटरडिसिप्लिनरी, एक स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च फैसिलिटी ज़रूर होनी चाहिए जो केवल तकलीफ होने के समय पर ही रिसर्च नहीं, जो कंसिस्टेंटली
कुछ वर्ष तक लगातार रिसर्च करे। उस रिसर्च के अंदर देश के अंदर जितनी संस्थाएं हैं इस काम से जुड़ी हुई, चाहे वो ICMR हो, चाहे वो NCDC हो, चाहे वो हमारे एम्स जैसे बड़े मेडिकल कॉलेजेस की रिसर्च एक्टिविटी हो, और फिर इसके साथ साथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और CDC अटलांटा, इनके साथ उस समय भी हम लोगों ने संपर्क किया था। और ये सारी जितनी भी संस्थाएं हो सकती हैं, और फिर अभी तो मेरे पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय भी है जहां मेडिसिन का हाई एंडेड रिसर्च होता है, ये सारी की संस्थाएं मिलकर इस विषय पर और इस विषय की जो गहराई और कारण है उसके ऊपर एक लगातार काम करें और किसी न किसी रूप में, जिस प्रकार से जब ये पता लगा कि ये जैपनीज एनकेफलाइटिस है और जैपनीज एनकेफलाइटिस के अलावा एक दूसरी वैरायटी AES है जो कि उसी प्रकार का एनकेफलोपैथी जैसा उसी तरह का मिलता जुलता सिंड्रोम है, लेकिन सीधे सीधे वो जैपनीज एनकेफलाइटिस के वायरस से प्रभावित नहीं होते। तो जैपनीज एनकेफलाइटिस के लिए सरकार ने यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में जैपनीज एनकेफलाइटिस को जोड़ दिया और सारे जितने भी प्रभावित इलाके हैं वहाँ पर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में जैपनीज एनकेफलाइटिस का टीका दिया जाता है। मैंने पता किया यहाँ पर भी काफ़ी प्रभावी ढंग से वो टीका दिया गया है, 70-80% तक हमें बताया गया कि उसका कवरेज है। तो एक तो ये रिसर्च सेंटर कुछ चीज़ों के लिए अभी हमने मंत्री जी से भी, जो मेरे दाएं तरफ बैठे हैं और जो सेक्रेटरी साहब हैं, और अस्पताल के लोगों से भी कमिटमेंट लिया है, और उसके लिए उनको एक साल की टाइमलाइन दी है और उस एक साल की टाइमलाइन के अंदर भारत सरकार हर तरह का उनको सपोर्ट करेगा, फाइनेंशियली भी और टेक्निकली भी। तो एक तो कम से कम दो ये स्टेट ऑफ द आर्ट हाई क्वालिटी इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च सेंटर जो कि इस बीमारी के वास्तविक कॉज को नेशनल और इंटरनेशनल सभी स्टेक होल्डर्स के साथ जो रिसर्च के साथ जुड़े हैं, इंक्लूडिंग माई साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय, इसके ऊपर काम करेंगे। दूसरा, हमने देखा कि यहाँ जो अभी पीडियाट्रिक ICU की जो, जिसको कि आपने देखा कि जगह जगह लिखा है P21, P22, P23, P24, जो व्यवस्था है वो अभी अस्पताल की बनी हुई व्यवस्था के अंदर ही क्रिएट की गई है। मुझे लगता है कि वो शायद पर्याप्त नहीं है। यहाँ पर कम से कम 100 बेड का एकदम नया, इस बिल्डिंग से भी अलग, इसी कैंपस के अंदर एक पीडियाट्रिक ICU बनना चाहिए, ताकि ये जो अस्पताल की व्यवस्थाओं के अंदर जो पीडियाट्रिक ICU बनाया गया है, उस ICU के ऊपर मैं समझता हूँ कि जब तकलीफ आती है तो बहुत बड़ा स्ट्रेन होता है, जो मैंने स्वयं इस समय देखा। इसलिए एक एक्सक्लूसिव पीडियाट्रिक ICU बनाने के लिए इनको हमने सरकार को रिक्वेस्ट किया है, और मंत्री जी से ये भी कहा है कि वो ये फास्ट ट्रैक पर सुनिश्चित करें कि अगले साल मई जून के महीने में, जब ज़्यादातर इस तरह के केसेस, यद्यपि ये केसेस थोड़े बहुत जनवरी से भी आते हैं लेकिन बहुत थोड़ी मात्रा में, जो पिछले 5-6 साल के हमने डाटा स्टडी किया है, इनकी जो बढ़ने का जो सीज़न है वो मई के आसपास शुरू होता है, मई के लेटर पार्ट में, जून में ये इसकी पीक होती है। तो अगले साल तक ये जो पीडियाट्रिक ICU की यहाँ पर एक्सक्लूसिव बिल्डिंग ये तैयार होनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि जो, क्योंकि ये बीमारी और इस बीमारी के साथ जुड़े हुए जो संभावित फैक्टर्स हैं उसमें वायरस का रोल, क्योंकि जिस तरीके से ये बीमारी सडनली आती है, गर्मी के इन महीनों के अंदर आती है, और जब देखते हैं जब आती है तो महीने डेढ़ दो महीने के लिए आती है, और एक साथ जो है बहुत सारे बच्चे प्रभावित होते हैं,
तो उस समय जो दिखने वाली चीजें होती है वो तो गर्मी है और ह्यूमिडिटी है, जैसे आज भी हमने अपने मौसम विभाग से पता किया है, या 60-70% ह्यूमिडिटी है आज की तारीख में भी है और गर्मी भी होती है। लेकिन जिस तरह का इसका पैटर्न है, उस पैटर्न में जब एक साथ इतने सारे लोग प्रभावित होते हैं बच्चे, तो कहीं ना कहीं नजर आता है कि कोई ना कोई ऐसा वायरस भी हो सकता है जो कि शायद रूटीन तरीके से उसकी जो जानकारी नहीं मिल पा रही है, उसका क्या नेचर है, क्या किसी वायरस के अंदर कोई म्यूटेशन हुआ हुआ है जो नहीं सिस्टम के अंदर पता लगता है। तो यहाँ पर एक बिहार में जो वायरोलॉजी के लिए आप हम सब जानते हैं कि उसकी सबसे बड़ी लैब जो है वो पुणे के अंदर है, और इसके अलावा अभी पिछले समय में यहाँ एम्स पटना के अंदर भी एक वायरोलॉजी की लैब जो है वो क्रिएट कर दी गई है। मुझे खुशी हुई जानकर कि यहाँ पर भी मुजफ्फरपुर में भी काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके वायरोलॉजी की लैब के लिए क्रिएट हुआ है, उसके अंदर भी अभी जो एक्सपर्ट्स हैं उनके आने की आवश्यकता है। तो इस पूरे बिहार में 4-5 जगह पर स्टेट ऑफ द आर्ट वायरोलॉजी लैब, और जिसमें सबसे प्राथमिकता के ऊपर उसके लिए भी हमने कहा है कि वो तो शायद जल्दी ही इनको कुछ ही महीनों के अंदर उस काम को जो है पूरा करके उसको वायरोलॉजी के लैब का जो स्ट्रक्चर है उसको यहाँ पर पूरा करना है। ये तीन तो काम ऐसे जो कि एक साल के अंदर अंदर इनको पूरे करने के लिए हमने कहा है। इसके साथ साथ जो दूसरे फैक्टर्स जो ध्यान में आए हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो बीमारी है उसमें जैपनीज एनकेफलाइटिस के भी केसेस हो सकते हैं, AES तो होता ही है, और उसके जो ट्रांसमिशन होता है उसका एक टूलेक्स मॉस्किटो से होता है, उसको जो मॉस्किटो का जो एक तरह से एंटोमोलॉजिकल सर्वेलेंस है सारे इलाके के अंदर, उसको सुदृढ़ करने के लिए अभी ऑलरेडी उसके लिए हमने कहा है कि उसकी स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट व्यवस्था इन सब आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स में भी क्रिएट होनी चाहिए। फिलहाल उसको ICMR पटना के माध्यम से उसको प्रारंभ, इस डिस्ट्रिक्ट के लिए कंटिन्यूसली लगातार एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज हो, उसके लिए यहाँ पर तुरंत एक एपिडेमियोलॉजिस्ट का यहाँ पर जो पोस्टिंग है, इंतज़ाम है वो होना चाहिए।